रोक लगवाई जाए एवं आपातकालीन कोष जो भारत सरकार का आपातकालीन कोष होता है उस कोष के द्वारा वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की व्यवस्था उनकी पुनर्वास उनकी सहायता तत्काल किया जाए भारतीय कोष से जो आपातकालीन होता है ये हमारी मांगे हैं। साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुओं के बहुमत से बीजेपी सरकार आई है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक आवाज़ नहीं निकाली वहाँ के हिंदुओं के लिए जबकि शेख हसीना बांग्लादेश के लोगों ने भगा दिया या प्राण बचा करके आए मोदी जी उसको रक्षा कर रहे हैं कमांडो लगा रखे हैं हिंदन गाजियाबाद में लेकिन हिंदुओं के बारे में दो शब्द नहीं निकले हैं कि उनका बचाव होना चाहिए। ना नरेंद्र मोदी ने कहा है ना अमित शाह ने कहा है ना अखिलेश यादव ने कहा है ना राहुल गांधी ने कहा है ना सोनिया गांधी ने कहा है ना किसी विधायक और मंत्री की तो कोई औकात नहीं है जब बोल जाए क्योंकि ये सब एक दूसरे के गुलाम है। हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हम उत्तर प्रदेश में माननीय आदित्यनाथ जी को सपोर्ट करते हैं और हम कह रहे हैं अगर आदित्यनाथ जी को हटाने की कोशिश की तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। जय हिंद जय भारत। जो मांगे हैं हमारी मांगे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सनातनियों की जान माल की संपत्ति व उनके धर्म की रक्षा सुनिश्चित की जाए बांग्लादेश सरकार के द्वारा। नंबर दो, बांग्लादेश में मंदिरों में जो तोड़फोड़ हुई है उनका पुनर्निर्माण होना चाहिए। नंबर तीन, जो घर से बेघर हो गए हैं वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यक या जो हमारे सरदार भाई जी लोग हैं जैन हैं जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए उनका बचाव हो उनको पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए बांग्लादेश सरकार के द्वारा। और एक अंतिम नोटिस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री